सबसे पहले चार राज्यों में जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है, मैं उन जनता को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं, उनके चरणों में वंदन अभिनंदन करता हूं। और जिस तरह से हिंदुत्व के विचारधारा को भारतीय जनता पार्टी को अंगीकार इस देश की जनता ने किया है, हम उनके लिए शुभकामना व्यक्त करते हैं। भगवान श्री राम के जन्मभूमि पर बनाया जा रहा भव्य मंदिर पर जिस तरह से हिंदुत्व आज गौरवान्वित हो रहा है और जिस तरह से वोट के माध्यम से उन्होंने कमल का फूल बरसाने का काम किया है, हम सभी उन हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोगों को चरण अभिनंदन और वंदन करते हैं। आप मानते हैं कि हिंदुत्व के एजेंडे पर ही आप जीते हैं, विकास कोई मायने नहीं रखता? हमारे एक हाथ में राम और दूसरे हाथ में काम, यही है भारतीय जनता पार्टी का अभिमान। आप बहुमत से कितना आगे हैं इसको भी देखने का काम करें। झारखंड तो हम तो पहले से ही बोल रहे हैं कि झारखंड की सरकार गिरी हुई है और घिरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुआ है अन्य प्रदेशों में, मोरली रूप से यह सरकार डिमोरलाइज यहां हुई। कांग्रेस के मंत्री अपना कुर्सी बचाने के लिए दिल्ली दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं, कहिए तो मैं नाम बताऊं उनका। दो मंत्री ड्रॉप होने वाले हैं और दो मंत्री जब ड्रॉप होंगे तो कितना कांग्रेस में अंतरकला होगा आप लोगों से छुपा हुआ नहीं। आने वाला समय में कांग्रेस में जो टूट फूट की संभावनाएं हैं, ये हम लोगों के तरफ से नहीं है, कांग्रेस में स्वतः रूप से होगा। जिस तरह से कांग्रेस के प्रभारी तीन बार आते हैं, मुख्यमंत्री से मुलाकात नहीं करते हैं, तीसरा बार में मुलाकात भी करते हैं, तो सांकेतिक रूप से जो उनका दर्शन सामने आता है वो सरकार के पक्ष में नहीं, सरकार के खिलाफ में आता है। हिंदू के अलावा और कोई बीजेपी को वोट नहीं देता और बीजेपी को चाहिए? हिंदुत्व और हिंदू को समझने की आवश्यकता। हिंदुत्व एक संवेदनशील, सर्व समाज, सर्व स्पर्शी, सारे लोगों को लेकर के चलने वाली विचारधारा है। यह समुदाय विशेष का नहीं है। हमको मुस्लिमों ने भी वोट किया, मैं उनको भी आभार प्रकट करता हूं। हमको हिंदुओं ने भी वोट किया, हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं। हमको बाकी मिनोरिटी के लोग भी वोट किए हैं, हम उनको भी आभार प्रकट करते हैं। लेकिन विचार जो जीत हुई है वह हिंदुत्व की, जो जीत हुई है मर्यादा पुरुषोत्तम राम की हुई है, जो जीत हुई है वह निश्चित तौर पर मथुरा में भगवान कृष्ण के मंदिर के बनाने के लिए। भानु जी, आपके दो मंत्रियों के बाद की ड्रॉप बनाते, जो हम लोगों को सूचना है आदरणीय बन्ना गुप्ता जी और आदरणीय बादल जी का विकेट गिरने वाला है। सवाल, क्या झाड़ू बीजेपी का संकल्प पूरा कर रही है कांग्रेस मुक्त भारत का, या फिर आपको लग रहा है कि बीजेपी की अगली चुनौती झाड़ू ही है? देखिए, झाड़ू का काम है वो साफ कर देगा और भारतीय जनता पार्टी के उसके बाद धीरे धीरे हम लोग कमल का बिया डालेंगे, उसमें कमल का फूल डालेंगे और कांग्रेस देश से साफ हो जाएगा।